हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल पोलैंड में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना राहुल सोलंकी, पोलैंड से आपका फेवरेट यूट्यूबर। अगर आप लोग पोलैंड में आने का प्लान बना रहे हैं या पोलैंड में ऑलरेडी आप लोग आ चुके हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, और मेरी आज की वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकती है पोलैंड के अंदर। तो हम शुरू करते हैं सिम कार्ड से। पोलैंड में आने के बाद आप लोगों को कौन सा सिम कार्ड लेना है, तो सिम कार्ड आपको लेना है लाइका का। इधर उधर नहीं जाना, लाइका का ही लेना। वो इसलिए क्योंकि 25 PLN में आपको मंथली पैकेज मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स लोकल पोलैंड के अंदर और अनलिमिटेड SMS। और बाय चांस आपका अगर बैलेंस ख़त्म हो जाए तो लाइका टू लाइका, मोस्टली इंडियंस के पास लाइका है तो लाइका टू लाइका अनलिमिटेड कॉल्स है लाइफ टाइम के लिए। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों के पास इंडिया में व्हाट्सएप नहीं है, जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास, तो आप इस लाइका सिम कार्ड से 25 PLN में 300 मिनट्स डायरेक्टली इंडिया कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप कॉल की ज़रूरत नहीं है। और सिम लेने के बाद आप लोगों की बारी आएगी अपार्टमेंट ढूंढने की, तो आप लोग अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो OLX.PL पे, Gumtree.PL पे, Autodom.PL पे एंड Facebook Marketplace पे। और अपार्टमेंट्स आप लोग देख सकते हो पोलैंड के कितने खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं। और अपार्टमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं शॉपिंग की। तो बेसिक शॉपिंग जैसे कि टमाटर, प्याज, दूध, दही और सब्जियां, पोलैंड की जो नॉर्मल सब्जियां है वो, और हमारी जो नॉर्मल ग्रोसरी है वो आपको शॉपिंग करनी है बिद्रोंका से, क्योंकि बिद्रोंका सबसे सस्ती एक ब्रांड है जो पोलैंड में हर जगह अवेलेबल है। और हम बात करें अपनी इंडियन ग्रोसरी की जो कि बिद्रोंका में नहीं मिलेगी, जैसे कि गरम मसाला, अपने इंडियन स्पाइसेस, हल्दी, लाल मिर्च और कुछ हल्दीराम के स्नैक्स, या फिर भिंडी, ग्रीन चिली, अरबी, तोरी, टुंडली, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी लिटिल इंडिया से। और अपना जैसे पनीर हो गया तो पनीर भी आपको लिटिल इंडिया से मिलेगा। बिद्रोंका में आपको मिलेगी लोकल ग्रोसरीज, जैसे आपका साबुन हो गया, कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन का, डिश वॉशर, ये सारी चीज़ें आपको बिद्रोंका में मिलेगी। बाकी इंडियन ग्रोसरी आपको मिलेगी लिटिल इंडिया में। और लिटिल इंडिया में क्या क्या मिलता है उसके लिए आप मेरी लिटिल इंडिया वाली वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। तो अपार्टमेंट लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कार्ड अप्लाई, TRC कार्ड अप्लाई, जी हाँ उसको बोलते हैं रेजिडेंस कार्ड। तो बेसिकली क्या होता है, आप इंडिया से जब पोलैंड में आते हो आपको मिलता है 1 साल का वीज़ा या 6 महीने का वीज़ा। वो वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप रिन्यू नहीं करवा सकते वीज़ा ना, आपको दोबारा इंडिया जाना पड़ेगा, अपना वीज़ा लगवा के फिर वापस आना पड़ेगा। तो बेसिकली वीज़ा से बेटर क्या है कि आप लोग TRC कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। बट TRC कार्ड के लिए अप्लाई करने का फ़ायदा, एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि आप खुद वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको कोई कंसल्टेंट लेना पड़ेगा। और फ़ायदा क्या है, आपको सीधा 3 साल का कार्ड मिल जाता है, क्योंकि जो आपका वर्क परमिशन जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं उमोवा परासा। तो आपको जितने साल का मिलता है, 2 साल का या 3 साल का मिनिमम मिलता है, तो उतने ही टाइम का आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा। और वो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बट उसके लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। और जब से ये यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कोई अच्छा सा कंसल्टेंट आप पकड़ो, उसको थोड़ा बहुत पैसा दो, उसकी फ़ीस दो, वो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे काम करवाओ, क्योंकि वो क्या एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे साइन करना है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या डिटेल्स है, आपकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से फॉर्म फिल करके वो आपके लिए अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कंसल्टेंट की। तो बहुत सारे फेक कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं मार्केट में, जो आपका पैसा ले लेंगे और आपका कार्ड अप्लाई करेंगे नहीं, या रिप्लाई आ गया तो भी मतलब उस वो गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं देंगे। वो पूछते हैं भाई आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको उनको रिप्लाई देना होता है। तो ऐसे केसेस में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कोई अच्छा सा एजेंट आप ले लो। तो मेरी नज़र में एक है जिसका नाम है आई रिस्पेक्ट, जो रोसलो सिटी के अंदर है, अपने इंडियन ही भाई साहब है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इंडियंस के सपोर्टिव है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ उनसे जाके आप मिलो, बात करो। और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है TRC कार्ड अप्लाई करने के लिए, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। और अब हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे पोलैंड के अंदर 6 महीने तक लीगली गाड़ी चला सकते हो, और 6 महीने के बाद भी अगर आपको चलानी है तो आप इंडिया से अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ सकते हो। तो जो भी वैलिडिटी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे होगी वो वैलिडिटी आपकी पोलैंड में वैलिड होगी, यानी 1 साल का अगर आपका बनता है तो 1 साल तक आप चला सकते हो। उसके बाद आपको अगर पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है
तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा जो कि इंग्लिश में है, बहुत इजी टेस्ट है और आप इजीली वो पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल आपको तब देना है जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको खाली थ्योरी टेस्ट देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है और आपका लाइसेंस इजीली बन जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।